हम तो यहाँ कर रहे हैं सैटरडे वाली पार्टी, लेकिन हैशटैग अभीरा यानी अभिमन्यु और अक्षरा के घर में तो चलती रहती है सिर्फ और सिर्फ ट्विस्ट वाली पार्टी। एक ट्विस्ट होता है खत्म कि दूसरा रहता है तैयार। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर और देखते हैं कौन से नए ट्विस्ट का सामना कर रहे हैं ये सब। और अनिशा की मेहंदी की रस्म। बढ़ रही है अक्षरा की टेंशन। शादी बिना खुशियों वाली। प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में शुरू हो गई है कायरव और अनिशा की शादी की रस्में और आज निभाई जा रही है मेहंदी की रस्म, जिसके चलते कायरव और उसका पूरा परिवार पहुंचा है बिरला हाउस में इस रस्म की शुरुआत करने। एक तरफ जहां घर के सभी लोगों के चेहरे पे खुशियां हैं, तो वहीं दूसरी ओर अक्षरा के चेहरे पर टेंशन और कायरव के चेहरे पर इनकार है, लेकिन फिर भी शादी की रस्मों में शामिल है। सच से अनजान अभिमन्यु भी अपने होने वाले जीजाजी का स्वागत कर रहे हैं, वो भी फूल बरसाकर, नाच गाकर पूरे परिवार ने अपने दामाद जी का स्वागत किया। और फिर अभिमन्यु ने सभी के सामने रख दी अपनी डिमांड कि वो अपने जीजा जी के हाथों में मेहंदी खुद अपने हाथों से लगाएंगे। अभिमन्यु, अब कायरव को मेहंदी का सगन भी तुम ही कर दो। सीता जी, माँ लाइए मेहंदी, मैं लगा देता हूँ। ये लिखता हूँ, वो पूरा लिखता हूँ। यहाँ सभी घर वालों के चेहरे की खुशी देखकर अक्षरा की टेंशन अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है। और तो और, अनिशा ने अक्षरा से वक्त भी मांगा है सभी के सामने सच बताने का, और मजबूरन अक्षरा और कायरव को मेहंदी की रस्म निभानी पड़ रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ का साथ देने वाला गुनहगार होता है। बस फिर क्या, मेहंदी की रस्म शुरू होने से पहले ही कायरव से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सभी के सामने इस शादी से इनकार कर दिया। क्या हुआ अचानक से ऐसे, कायरव कुछ हुआ है क्या? अरे बताओ मुझे, कोई गलती हो गई मुझसे? मुझे अनिशा से शादी नहीं करनी। जिसे सुनकर सभी को लगा जोरदार झटका। क्या? अब कायरव के इनकार के पीछे वजह क्या है, ये तो पूरे परिवार को जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले कहानी में आएगा ट्विस्ट, क्योंकि अनिशा कायरव को खुदकुशी करने की धमकी देती है और इसी के चलते हो जाएगा हादसा। कायरव, तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम ये शादी नहीं तोड़ोगे। अरे शादी के भाड़ में यार, प्रॉमिस करोगे या मैं सच में कूद जाऊंगी? हेलो, कौन बोल रहा है? व्हाट? कायरव अनिशा को लेके हॉस्पिटल जा रहा है। अब देखना होगा कि ये हादसा कहानी में क्या नया मोड़ लेकर आएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।